गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th मैथ्स के अंतर्गत बात करने जा रहे हैं बेलन का। तो बेलन के बारे में पहले हम समझें कि वास्तव में बेलन क्या है, इसकी प्रक्रियाएं क्या है, प्रोसीजर क्या है। तो बेलन के बारे में सबसे पहले कि जैसा कि हमको पता है कि ये आकृति जो आपको दिखाई जा रही है ये बेलन है। अगर इसका इसकी जो त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या स्मॉल r और जो ऊंचाई है वो स्मॉल h है, तो उस स्थिति में इसका वक्र पृष्ठ, इसका आयतन, इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेलन का जो पृष्ठ होता है वो कितने प्रकार का पृष्ठ होता है। तो सबसे पहले देखें तो बेलन में तीन प्रकार के पृष्ठ होते हैं। सबसे पहला ऊपरी पृष्ठ, वृत्ति पृष्ठ, निचला वृत्ति पृष्ठ, और फिर बेलन का वक्र पृष्ठ। जैसा कि इस आकृति में आपको दर्शाया गया है, इस डब्बे की आकृति में बेलन का ये जो सिरा है ये ऊपरी वृत्ति पृष्ठ है, ये निचला वृत्ति पृष्ठ, और ये जो सिरा है वो बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो इसका वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और इसके आयतन का क्या मान होगा, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे, तो इस चीज को ध्यान देना, बेलन का वक्र पृष्ठ मतलब ये ऊपर का जो एरिया है वो बेलन के वक्र पृष्ठ के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैं यहाँ पर बता रहा था कि ये जो एरिया है, ये सरफेस एरिया है, ये बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो अगर ध्यान दें, इसकी शुरुआत होती है वृत्त एक वक्र पृष्ठ के, तो ये इसकी परिधि के अकॉर्डिंग होगा। तो बेलन की अगर त्रिज्या आर है तो उसकी परिधि जो हो जाएगी वो होती है 2πr। अब ये परिधि कितनी दूरी तक है, तो अगर हम देखें तो ये परिधि यहाँ से स्टार्ट होके h ऊंचाई तक मौजूद है और सभी जगह एक समान होती है, इसलिए साथ में आ जाता है इनटू h। तो ये जो होता है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ 2πrh। दूसरी बात, अब बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की बात करें। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जैसा कि बताया गया है कि बेलन के पृष्ठ में तीन हिस्से होते हैं, ऊपरी वृत्ति पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का निचला वृत्ति पृष्ठ। तो इस हिसाब से देखें तो ऊपरी वृत्ति पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर का स्क्वायर। वक्र पृष्ठ का तो हम निकाल चुके हैं 2πrh, और निचले वृत्ति पृष्ठ का पाई आर स्क्वायर। तो इस आधार पे देखें तो 2πrh प्लस 2πr का स्क्वायर, यहां से 2πr कॉमन आ जाएगा तो h प्लस आर निकल कर सामने आ जाता है। इसके बाद करते हैं बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, आयतन मतलब नॉर्मल सी बात है कि वो इस स्पेस में, जैसा कि शुरुआत से दिखाया जा रहा है इस डब्बे में, तो आयतन मतलब इसमें कितना पदार्थ समा सकता है वो उसका आयतन कहलाता है, कि कोई भी बेलनाकार पदार्थ कितना स्पेस घेरता है, जितना स्पेस घेरता है वो उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाएगा। तो आयतन में अगर हम बात करें तो ऊपर से लेकर नीचे तक इसके त्रिज्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, तो कहीं ना कहीं ऊपरी वृत्ति पृष्ठ जो है वो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, और कितनी ऊंचाई तक है, एच ऊंचाई तक है। तो अगर देखें बेलन का आयतन मतलब पाई आर स्क्वायर जो उसका ऊपरी वृत्ति पृष्ठ इनटू ऊंचाई एच। तो इस प्रकार से बेलन के आयतन का सूत्र हमारे पास निकल कर आ जाता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास तीन चीज